नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है। मैं भूल गई थी, मुझे आज ब्लॉग स्टार्ट करना था लेकिन मैं भूल गई थी कि आज मुझे ब्लॉग बनाना है। अभी मुझे याद आया, मैं किचन में थी तो मैंने कहा चलो जब याद आया तभी स्टार्ट कर देते हैं ब्लॉग को। तो वैसे अभी मैं यहाँ नए वाले घर पे हूँ, हमें अभी थोड़ी देर बाद निकलना है उन्नाव के लिए, कुछ काम है। तो मैं यहीं पे आज रुक गई थी, अपने लिए किचन में दलिया बना रही थी लंच में। और यहाँ पे मुझे अपना बैग लगाना है, अभी लगाया नहीं है। वैसे आज जाएंगे और कल चले आएंगे, तो बैग सिर्फ उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें बस रखनी है और कुछ भी नहीं। तो चलिए चलते हैं किचन में। मैं अपना दलिया छोड़ के आई थी यहाँ पे मोबाइल लेने के लिए। तो यहाँ पे ये मैंने मसाला, इसमें प्याज डाल दिया, भून रहा था। और इसमें ये वेजीज डालनी है। टमाटर बाद में डालेंगे, थोड़ा सा ये अच्छे से भून जाए। तो काफ़ी कलरफुल रहती है मेरी दलिया, जिसमें कि शिमला मिर्च है, प्याज है, गाजर है, चुकंदर है और टमाटर भी है ना। तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पे अपना सलाद भी खा रही थी साथ ही साथ, तो ये भी मुझे खाना है। किचन में भी काफ़ी उथल पुथल है, देखिए यहाँ ये सब रखा हुआ है। और ये सुबह के आलू हैं, मैंने हस्बैंड के लिए सुबह नाश्ता बनाया था तो ये आलू बच गए हैं। इनका क्या यूज़ करना है, अभी मैं जब निकलने वाली होंगी तो उससे पहले मैं इनका सैंडविच बना लूँगी, तो रास्ते में खाने के लिए हो जाएगा। क्योंकि जब सफ़र करते हैं तो भूख ज़्यादा लगने लगती है, और मेरे हस्बैंड को भी। सिर्फ आलू भी आपको दिख रहा है, और इसमें भी मैं कुछ सब्जियां ऐड करूंगी, जैसे कि गाजर, चुकंदर और शिमला मिर्च जो है घर में वही मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी। तो अभी मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा नमक मैंने ऐड कर दिया है, और नमक मैं सेंधा नमक इस्तेमाल करने लगी हूँ, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ी देर इसको ढक देंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो फिलहाल ये सॉफ्ट हो गए हैं अच्छे से। मैंने इसमें थोड़ा सा मसाला भी ऐड कर दिया था, जैसे कि धनिया पाउडर और हल्दी, और अच्छे से कलर आ जाए बढ़िया से। और अभी मैं इसमें ये दलिया डाल दूँगी। इसमें हम पानी डाल देंगे। तो मुझे थोड़ी सी पतली दलिया अच्छी लगती है, इसलिए मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। और बाद में ये पकने के बाद पता चलेगा कि इसमें पानी ज़्यादा है या कम, क्योंकि अभी ये इसमें उबाल आना है और ये पकेगी थोड़ी देर। तो पानी की मात्रा आप ऐसे रखिए, ज़्यादा अपने हिसाब से या कम। और वैसे तो शुरुआत में ज़्यादा ही रखनी चाहिए, क्योंकि ये बॉईल होता है और पकता है बढ़िया से, बाद में आप अपने हिसाब से पानी और ऐड कर सकते हैं। तो इसको थोड़ी देर हम बॉईल होने देंगे, इसको ढक देंगे और गैस को थोड़ा सा हम स्लो कर देंगे। तो जब तक हमारी दलिया होती है, मैं इधर सैंडविच का इंतज़ाम कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ मैंने वेजीज कट कर ली, जैसे कि ये प्याज और शिमला मिर्च और चुकंदर और गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया, क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा कम पसंद है तो ये उनके मुंह में आएगा ना तो उन्हें अच्छा ही लगेगा। तो इसमें मैंने कद्दूकस कर दिया तो ये खा लेंगे आराम से। तो मैं इसमें ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स थोड़ा सा, और
ऑरिगैनो, थोड़ा सा चाट मसाला। तो नमक मैं इसमें कुछ अलग वाला इस्तेमाल करूंगी, ये मैंने घर पे बनाया है, थोड़ा देसी टेस्ट आएगा सैंडविच में। मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मिक्स कर लिया मैंने, अब इसमें वेजीज ऐड कर देंगे। तो ये रेडी हो गया है, तो अभी इसको ब्रेड में लगा लेते हैं। वैसे तो हमें रोज रोज ब्रेड नहीं खानी है, मैं भी रोज ब्रेड नहीं खाती हूँ, लेकिन अगर आप ब्रेड खा रहे हैं तो हेल्दी ऑप्शन चूज करें, जैसे कि मल्टीग्रेन ब्रेड। तो मैं मल्टीग्रेन ब्रेड में ये सैंडविच बनाऊंगी। ये हमारा स्नैक रेडी हो गया है शाम के टाइम लेने के लिए, क्योंकि रास्ते में बाहर का खाने से अच्छा है कि घर से बना हुआ कुछ लेके जाएं। ठीक है, तो ये रेडी हो गया है। तो देखते हैं दलिया का क्या हाल चाल है। वाओ, तो ये रेडी हो गई है खाने के लिए, और बस मुझे इतनी थिकनेस चाहिए, ज़्यादा पतली नहीं और ना ज़्यादा थिक। तो गैस को ऑफ कर देंगे। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, गैस मैंने ऑफ कर दी है, थोड़ा सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आ जाए दलिया, तब मैं खाऊंगी। दही के साथ में लूँगी, आप उसके साथ में छाछ भी ले सकते हैं, दही भी ले सकते हैं, चटनी भी ले सकते हैं, अच्छा लगता है खाने में। मैं मिलती हूँ आपसे रेडी होके। बाकी मैंने अपना जो काम था घर का वो कर लिया है, पौधों को पानी देना, कपड़े वगैरह धुलना सब हो गया। वैसे कल वापस आ जाएंगे, लेकिन मेरे माइंड में रहता है कि जो काम पेंडिंग नहीं छोड़ के जाना है उसको करना ही करना है, सिवाय व्लॉग में टाइम से नहीं दे पा रही थी, तो वो अभी वो भी कंटिन्यू रखूँगी, पूरी कोशिश करूँगी टाइम टू टाइम देने की। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ सीधा रेडी होके, ठीक है, क्योंकि टाइम हो रहा है और अभी मुझे अपना लंच भी करना है, बर्तन वगैरह भी धुल के सब सेट करके जाऊंगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद, ठीक है, बाय। हेलो दोस्तों, तो मैं हो गई हूँ रेडी और बस हम लोग निकलने वाले हैं। तो चलिए, हस्बैंड जी भी आ गए, चलिए। पहली बार मैंने अपने कपड़े नहीं रखे हैं, पहली बार। ये पकड़ लेना, नहीं रखे हैं क्योंकि वहाँ पे हैं कपड़े, ये जाएंगे और वहाँ से दूसरे पहन के आ जाएंगे, ठीक है। ये एक मिनट ले लीजिए, गाय को डालना है, चलो। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं बलरामपुर से 9 के लिए।
खूबसूरत सनसेट नज़ारा। वीडियो में तो छोटे से सूरज दिख रहा है, लेकिन बिना कैमरे के जो है बहुत बड़े से दिख रहा है, बिल्कुल जैसे लग रहा है कोई बल्ब जल रहा है। कहाँ पहुंचे अभी हम लोग? गोंडा से आगे आ गए जरवल। रात हो जाएगी पहुंचते पहुंचते, क्योंकि रास्ते में जुलूस मिल गया था, इस वजह से थोड़ा सा देर हो गया। मुस्कुराइए आप लखनऊ में, हम लखनऊ में। तो अभी हम लोग लखनऊ पहुंच गए हैं और रात में लखनऊ कुछ अच्छा लग रहा है, मतलब कुछ नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। सब तरफ लाइटें लाइटें हैं, ये देखिए। तो अभी कम से कम 2 घंटे लगेंगे हम लोगों को 9 पहुंचने में। तो अब आपसे मिलेंगे सीधा 9 पहुंचकर ही, ठीक है? अरे अभी तो रास्ते में क्या जाम लग रहा है, क्या है ये तो पता ही नहीं है। वो बाद में दिखाएंगे, अगर जाम वगैरह मिलेगा तो दिखाएंगे, क्योंकि अभी मेरा जो क्लब है उसका आज बहुत बड़ा इवेंट है, तो वो मुझे अटेंड करना है, क्योंकि उसमें मेरा भी नाम आएगा। तो पहली बार मैं अटेंड करने जा रही हूँ, वैसे इससे पहले भी हुआ था लेकिन मैं नहीं देख पाई थी, कहीं बाहर चली गई थी इस वजह से। लेकिन आज मैं गाड़ी में ही रहूंगी, तो यहाँ पे हम दोनों लोग सुनेंगे और देखेंगे। और तो चलिए फिर मिलते हैं 9 में, तो ठीक है, बाय। सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज है नेक्स्ट डे और रात में हम लोग पहुँचे थे 9:30 बजे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, नींद आ रही थी। तो मैंने तो अपना शेक रास्ते में ही पी लिया था अपना टाइम से, और हस्बैंड आके उन्होंने खाना खाया, फिर हम लोग सो गए थे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:10 बाकी है, और सोनल अपने स्कूल जाने की तैयारी कर रही है, कॉलेज जाने की तैयारी कर रही है। बच्चे बड़े हो गए हुए ना, तो कॉलेज जाने की तैयारी कर रही है। अभी ये अपना शेक ले रही है, मैंने इनको भी स्टार्ट करा दिया है शेक। कैसा लग रहा है, फ्लेवर कैसा है? बहुत अच्छा। ये तो चली जाएंगी, और आज ही हम लोगों को वापस भी जाना है। जब ये आएंगी तो हम लोग नहीं रहेंगे यहाँ पे, इनके आने से पहले ही हम लोग चले जाएंगे। तो कुछ काम था इस वजह से आए थे। और भैया, और क्या हाल चाल है? और सब अच्छा है, सब अच्छे चल रहे हैं, इनके एग्जाम चल रहे हैं, तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई है। और इनको फीवर भी आ गया था कल, 101 बुखार था। और कब से आ रहा है बुखार? बुखार आ रहा है यही, आज फ्राइडे है ना, हाँ थर्सडे वेडनेसडे से, वेडनेसडे से इनको बुखार आ रहा है। लेकिन डॉक्टर से दवाई लेके आई है, रेगुलर खा रही है, तो अभी इनको आराम है। और सब सही है, बस सेशन अच्छे से हो जाए। बिल्कुल होएगा, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लेके आएगी। और मैथ में इनको 10 of 10 मिले हुए, बहुत बहुत बधाई हो। सेशनल में मिल जाए 50 out of 50 मिल जाए। अरे वाह, वो मिलेंगे। मेहनत अगर जैसी करोगी वैसे ही फल मिलेगा, तब भी मेहनत तो है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे, ठीक है, बाय। हेलो दोस्तों, और अभी आपसे मिल रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से बलरामपुर के लिए निकल रहे हैं, आए थे नर्सरी पौधे लेने बलरामपुर ले जाने के लिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो ये देखिए, ये ले लिया है, वहाँ जाके दिखाएंगे आपको कि कौन कौन से पौधे लिए हैं। और वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और यदि ब्लॉग कहीं पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं बलरामपुर से 9 किस लिए आई थी, पितृपक्ष स्टार्ट हो गए हैं, इस वजह से मैं आई थी, कुछ काम था तो मुझे आना पड़ा था, और बस एक दिन का ही काम था। अभी मैं वापस जा रही हूँ बलरामपुर, वहाँ पर मिलते हैं आपसे, बाय। व्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।